नमस्कार, पल पल में आपका स्वागत है। मैं हूं शालू बत्रा। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ समाज सेवी व जिला में जैविक खेती आरंभ करने वाले राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता सरदार सुरेंद्र सिंह वैदवाला जी, जिन्हें जड़ी बूटियों का काफ़ी ज्ञान है। और आज हम उनसे जानेंगे कि रसोई घर को कैसे एक दवाखाना कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले सर, स्टूडियो में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रसोई को दवाखाना भी कहा जाता है, जहां मसालों की अगर हम अधिकता में उनका प्रयोग करें तो वे हमें हानि, यानी कि हानि पहुंचाते हैं या विपरीत असर डालते हैं। वहीं अगर मसालों को हम सही प्रयोग करें तो वो किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं, प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आदमी को जिंदा रहने के लिए खाना, हवा और ये पानी, ये तीनों चीज़ें शुद्ध चाहिए, तभी आदमी जो है वो आरोग्य रह सकता है। तो ये आज रसोई की आपने बात करी है, तो रसोई के अंदर हमारी रसोई, हमारे पवित्र ग्रंथों में भी वर्णन आता है, ऋषि मुनियों ने भी लिखा, ये लेटेस्ट गुरु ग्रंथ साहब में भी है, अन्न देवता, पानी देवता, बसंतर देवता नूं, पंजवा पाया खेत तो होआ पाक पवित्र। तो रसोई को हम पाकशाला कहते हैं, जिसमें पवित्र भोजन बनता था। तो उसके अंदर जो भी हम चीज़ यूज़ करते हैं, जो बनाते हैं, वो खाते हैं, उसका असर जो है सीधा हमारे मन पे जाता है। जैसा अन्न तैसा मन, अन्न का और मन का संबंध है, वाणी का और पानी का संबंध है। तो इसी तरह रसोई के अंदर हमें जो चीज़ बनानी है, सबसे पहले अन्न जो है, अन्न पैदा कहाँ होता है, खेत में, कैसी भूमि में पैदा किया गया, कैसी उसमें चीज़ें डाली गई। अगर पहले खेती होती थी तो उस खेती के अंदर नेचुरल खेती होती थी, जिसे आज आप जैविक खेती का नाम भी दे दिया। एक्चुअली जो बिना खाद, बिना स्प्रे, बिना केमिकल यूज़ के होती है, उस खेती को हम जो है आज जैविक कहते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए इसको जो बाहर के मुल्कों वालों ने कुछ स्टैंडर्ड बना दिए और उसको ऑर्गेनिक का नाम दे दिया, सर्टिफिकेशन आदि के लिए जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो दूसरा मैटर है। तो रसोई के अंदर हमारी जो चीज़ बननी है, अन्न पैदा करना है। अब अन्न जिस भूमि से पैदा होना है, तो उसमें शब्द आता है गुरबाणी में, पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। और जो ज़मीन के अंदर हम पैदा करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, बिजाई करते हैं, जैसे गेहूँ है, चना है, जो भी चीज़ मसाले हैं, तो इनको पानी, पानी के बिना कोई चीज़ पैदा नहीं हो सकती, उत्पत्ति नहीं हो सकती, पानी को पिता गया। पवन भी उस पर असर करती है, जिस तरह का मौसम होता है उसी तरह का अन्न पैदा होता है। अब हमारा जो अन्न पैदा हुआ वो रसोई में गया, तो कैसा रसोई में अन्न जाता है, तो आजकल रसोई के अंदर रासायनिक चीज़ें जा रही हैं। जो पहले होता था तो हमारे यहाँ जितनी चीज़ें थी वो कुदरती तौर पर पैदा होती थी, ना कोई रासायनिक चीज़ें डाली जाती थी, गोबर की खाद डाली जाती थी, काऊ डंग वगैरह जितना ये था, और गड्ढे में खाद गला के वो डाली जाती थी। तो इसको धीरे धीरे कमर्शियल होता गया, इसको ग्रीन लेयर भी कह सकते हैं, भाई तो खादों का इंपोर्ट हुआ और खादें डालनी स्टार्ट होगी, उससे क्या हुआ, धरती पे तो असर आया ही आया, हमारे शरीर पे, खाने पीने पे, अब बीमारियाँ इतनी होगी, पहले इतनी बीमारियाँ नहीं होती थी, लेकिन जितने जितने बीमारियाँ बढ़ी उतने इलाज भी है। यही कुछ ऐसी कंपनियाँ जो आज रासायनिक केमिकल्स प्रोड्यूस कर रही हैं, वही आदमियों के जीवन के लिए दवाइयाँ बनाती हैं। तो एक ये ऐसी इंडस्ट्री बनी जिससे आज हमारी सेहत पे बहुत बुरे प्रभाव आ रहे हैं। तो इसके लिए आज बड़ा ज़रूरी है, जो हमारी रसोई है उसको हम कैसे सही रखा जाए। तो रसोई सही रखने के अंदर, रसोई के अंदर सबसे पहले हमारा आटा आता है, बेसन आता है, फिर मसाले आते हैं। मसाले तरह तरह के मसाले आते हैं, जो मसाले हम बरते हैं इनको भी सीजन के मुताबिक, बड़ी जो हिंदुस्तान के ऋषि मुनि थे उन्होंने मसालों का भी बड़ा सोच समझ कर किया था, सर्दी में कौन से मसाले यूज़ करने चाहिए, गर्मी में कौन से करने चाहिए। एक सबसे पहले आज हमारी आदत बन गई है, जो पैक चीज़ मिलती है ऊपर लेवल लगा होता है उसको देख के बाजार से लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप मसालों की बात आप कर रहे थे,
तो मसाले जितने हैं अगर आप साबुत ले आके घर पीसोगे उसका टेस्ट उसके गुण ही और होंगे। जो पुराना माल मार्केट में से पैक आपको मिलता है उसके तकरीबन गुण भी ख़त्म हो जाते हैं, वो फ्लेवर भी नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले तो मसाले ताज़ा होना चाहिए। जो आटा है जैसे है 10-15 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो उसको फाइबर वाला आटा आजकल ब्रीक से ब्रीक, आप आजकल बच्चों के देख आप देखते हैं रसोई में बनी हुई चीज़ें बच्चे नहीं खा रहे, आज वो चीज़ें खा रहे हैं जिनसे मैदा है और ये इसका पिज़्ज़ा हो गया ब्रेड होगी, इससे पेट खराब होते जा रहे हैं और उसके साथ ही ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। चीज़ें ये सारी रसोई से ही संबंधित हैं। अगर हमारी रसोई में जो चीज़ बन रही है प्रॉपर मसाले की डोज देके, देखो जितने मसाले उसमें डालने हैं उतने ही ज़रूरत मुताबिक डालने चाहिए। ज़्यादा स्वाद के लिए ज़्यादा मसाले डालोगे तो वो आपके सेहत पे विपरीत असर भी पैदा करते हैं। तो इसके मसाले के बारे तो मैं कहूँगा भी ये जो मसाले आप किचन में यूज़ करते हो, आम है, नमक है, मिर्च है, हल्दी है और अजवाइन है, मुलट्ठी है, मुलट्ठी भी चाय में हम डालते हैं, बिनक्षा है कफ के लिए वो भी चाय में डालते हैं, तो दालचीनी है, तो लौंग है, इलायची है, तो ये चीज़ जो है मसाले के अंदर आती, तेज पत्तर है, तो जैसे कड़ी पत्ता है वो भी इसी में का शामिल होता है। इन सब के अपने अपने गुण हैं, कोई क्योंकि तीन दोष शरीर में होते हैं कफ पित्त और वात, तो जो इन पे हर मसाले का जो असर है इसी से संबंधित है। कोई मसाले जो है कफ को ख़त्म करते हैं, कोई बनाते हैं, किसी की बॉडी पे कैसा असर होता है, जो दालें हैं वो दालें भी अलग अलग तरह का उसके असर होता है। तो इसमें जो हमें खाना बनाना चाहिए वो शुद्ध खाना, जो पुरानी लेडीज देखो मैडम सबसे पहले ये है भाई, जो पुरानी लेडीज खाना बनाती थी वो घर के अंदर अपने अपने इष्ट के मुताबिक रसोई के अंदर भी मुंह बंद ढक के खाना बनाते थे और अपने अपने इष्ट के मुताबिक कोई राम राम कहता था, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु, कोई पाठ कर रहा है, कोई कैसा उसका ध्यान जो होता था वो उसमें जाता था खाने के अंदर, तो उसी तरह का बच्चों को खाना मिलता था, संस्कार बनते थे। आज हमारे जो खाने बन रहे हैं माफ़ करना सीरियल लगे होते हैं, उन सीरियल का जो असर है वो खाने पे ऐसा असर जा रहा है, आगे जो हमारी जनरेशन आ रही है उन पे भी वैसा असर आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा अपनी माताओं बहनों से, और जो किचन है किचन के अंदर खाना खाना बनाते समय और खाना खाते समय आदमी को वो जो ध्यान है वो अच्छी तरफ सुरती भगवान की तरफ, भगवान का नाम लेके प्रेयर करके फिर तूने आज खाना दिया है, उस तरह का खाना खाएंगे, बच्चों को आदत डालेंगे। जैसे आम स्कूलों में देखा जाए, अच्छे स्कूलों के अंदर जैसे हमारे ये गुरु नानक पब्लिक स्कूल है सिरसा के अंदर, बच्चे जो खाना खाते हैं पहले अरदास करते हैं, भगवान तूने हमें इतना खाना दिया, दद्दा दाता देख कह सबको देवनहार, देंदे तोट ना आवे अनगिनत बड़े भंडार। और हमारे सिख धर्म के अंदर तो खास तौर पर भोजन की बहुत जो है वो उपमा है, फ्री लंगर चलता है, फ्री किचन जो है वर्ल्ड के अंदर हर गुरुद्वारे के अंदर चलता है, तो उसका जो बनाने का है वो बनाने वाले भी, वो जो पहले हमारे घरों में आप देखते थे आपके हमारे घरों में सब लंगर जब बनता था तो लेडीज़ गांव की मिलके, शहर की लेडीज़ आपस में मिलके तो वो खाना खुद तैयार कर लेती थी। आज हमें अगर 20 आदमियों का खाना बनाना तो भी हम वेटर लेके आ रहे हैं, तो इस तरह का वो जो खाना है वो सारा मन पे असर करता है। तो जो रसोई के अंदर खाना बने तो उसको बड़ा ही पवित्र तौर पर मानकर, जैसे हम मंदिर में जा रहे हैं गुरुद्वारे में जा रहे हैं उस तरह से पवित्र मानकर, इसको पाकशाला शब्द कहा गया है, मैंने पहले आपको सुनाया ना शब्द, इसको पाकशाला कहा गया है। तो पाक पवित्र होती है, जैसे बोला ना पंजवा पाया घे तो हुआ पाक पवित्र, तो रसोई पवित्र होगी। अब हवन करते हो उसमें भी घी डाला जाता है, तो आजकल घी जो था, आज घी की जो पीछे ऐसी मोमेंट चली, घी जो है ये ऐसा रिफाइंड खाना चाहिए फलाना चाहिए, जिससे क्या हुआ हमारे घुटने बैठने चालू हो गए, तो कहते जी आज कहते हैं ग्रीस खत्म हो गई उसके लिए घुटने रिप्लेस कराओ, तो इस तरह का हो गया। आज के जो किचन है, किचन के अंदर पहले के जो गृहिणी थी वो बैठ के खाना बनाया करती थी, पोचा देते थे, हालांकि गोबर का जो पोचा था गाय गऊ के गोबर का वो बैक्टीरिया को मारता है,
तो गऊ के गोबर का पोछा होता था, उससे जो राख बनती थी, राख से बर्तन साफ होते थे। आज हमारे बर्तन जो रसोई में, माफ करना मैं थोड़ा सा रसोई पे ही बात कर रहा हूँ, तो रसोई में जो आज हो रहे हैं वो हमारे लिसोपोल ला के यूरिया डाल के उसको बना के उससे बर्तन साफ हो रहे हैं। उससे क्या असर आ रहा है हमारी जिंदगी पे, वो जो है पानी में उतरते ही नहीं, गिलास के अंदर मार दिया आपने, मार दिया, या घर में काम करने वाली जो है वो उसने ऐसा कर दिया, तो वो सारा जो है हमारे अंदर जहर जा रहे हैं, केमिकल्स हमारे अंदर जा रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर। कई केमिकल डायरेक्ट जा रहे हैं, जब आप खेत में से पैदा होके मसाले या अन्न आ रहा है आपकी रसोई के अंदर, तो वो जब तक केमिकल रहत नहीं आ रहा, एक तो वो जहर आ रही है, दूसरा जहर हम खुद कर घोल के बच्चों को दे रहे हैं, अपने आप ले रहे हैं। तो इसके लिए जो खाना था वो भी संयम के हिसाब से, खाने में भी ये आता है ना, अगर नाम की आज बात होती है, बड़े बाबे नाम दे रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, कई बाबों का आपने सुना होगा नाम की बड़ी दुकानदारी चल रही है नाम की। गुरु नानक साहब कहते हैं जप तप संयम नाम है, जप करना, जप रसना से होता है, तप जो है इस शरीर से होता है, कड़ी मेहनत करने से होता है, और संयम से जो है, चाहे खाने में संयम हो, चाहे हमारे आचार व्यवहार में संयम हो, जो भी चीज़ हमारे शरीर से संबंधित है उसको संयम के अंदर, ये व्रतों की प्रथा जो बनाई थी जो हमारे चला था, तो वो भी संयम के आदमी को संयम में रखने के लिए बनाई गई थी। तो आप रसोई के बारे और पूछना किसी चीज के, जैसे आपने बताया था कि मसालों का भी मौसम के अनुसार हमें प्रयोग करना चाहिए, तो आप हमें सर्दी और गर्मी के हिसाब से बताइए कि किस तरह से सर्दी में कौन से और गर्मी में कौन से मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए जैसे दालचीनी है, इसका गर्म है, अब अपन बच्चों को दूध देते हैं सुबह सुबह, खाली पेट बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम दूध ला के भेजते हैं, उसके अंदर खाली जो अकेला दूध दे रहे हैं, वो दूध जो है गैस पैदा कर रहा है, जब गैस पैदा होती है गैस से 50 बीमारियां आ जाती हैं, बच्चे के सिर में चक्कर आने लग जाते हैं, कई दफ़ा स्कूल में चक्कर आए फिर उल्टी आती है तो वो ठीक होता है। तो उसके अंदर छोटी इलायची डालकर सुबह दूध उबाल कर दिया जाना चाहिए, रात को भी दूध अगर देते हैं तो उसमें भी छोटी इलायची ज़रूर डाली जानी चाहिए दूध के अंदर, ताकि वो ना हो। अब जैसे हल्दी है, हल्दी बड़ी बहुत अच्छी चीज़, आजकल जो कैंसर की दवाइयाँ बन रही हैं फौरन से आ रही हैं, बताते हैं उसमें भी हल्दी का जो है एक्सट्रैक्ट है, तो हल्दी एक बड़ी बहुत तकड़ी एंटीबायोटिक है और जो बीमारियों के रोधक भी है। तो हल्दी जो है एक काम नहीं आती, अब मसाले में हमने तो सिर्फ देखा हल्दी डाल दी रंगत के लिए डाल दी, या देख अब हल्दी भी बाजार से लेने जाते हो आप, घर की नहीं पिसवाते तो उसमें भी बेसन मिला मिल जाएगा आपको, गिलास में पानी में डालोगे आपको पता लग जाएगा इसमें कितना बेसन है, हल्दी घुल जाएगी, नीचे रह जाता है। तो ये चीज़ शुद्ध चीज़ लाने के लिए रसोई के अंदर पहली बात शुद्ध चीज़ हो, अगर दूध है, अगर दूध आप लेते हैं और कोई लेता है, दूध में आधा चम्मच हल्दी हम लेते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे जो शरीर है वो रोगों से भी बचा रहेगा, कोई चोट लग गई है, अमूमन पहले चोट लग जाया करती थी तो हम लोग क्या करते थे, हमारी माताएं उसको सरसों का तेल गर्म किया उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली और जख्म पे लगा के बांध देते थे, जख्म ठीक हो जाता था। आजकल हम दवाइयां लगा रहे हैं, कोई बीटाडीन लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, लगा लगा के हमारा ये हाल होता जा रहा है। तो इसके अंदर जैसे अब तुलसी है, तुलसी हमारे हर घर में आजकल, हिंदू घर में और हर घर में आजकल तुलसी है, वैसे वो उसकी तो हवा भी इतनी है जो कई बीमारियों को आने नहीं देती। तो ये किचन के अंदर भी अगर शुद्ध चीज़ नहीं आती तो बीमारियों को हम बुलाते हैं, खुद बुलाते हैं, तो इसके हम खुद जुम्मेवार हैं जो बीमारियां आ जा रही हैं। तो तुलसी है, तुलसी सर्दियों के अंदर चाय में डालो, अगर आपका पानी का मटका पड़ा है, पानी के मटके के अंदर थोड़े तुलसी के पत्ते डाल दो, तो वो नेचुरल, आप मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में जब जो आपको जल मिलता है तो तुलसी वाला जल होता है, तो पुराने महापुरुषों ने पीपल था, तुलसी थी, ऐसे ऐसे प्लांट्स जब कहते हैं, मैंने एक किताब पढ़ी थी तो उसमें जो अंग्रेज़ का वो वहाँ से इंग्लैंड से उनके महारानी ने आना था, तो वहाँ बॉम्बे के अंदर बड़ी दलदल थी और मच्छर बहुत था, तो उस टाइम जब इंडियन फिर उन्होंने पूछा गया तो उन्होंने तुलसी लगा दी थी जंगल की तरह, तो तुलसी से मच्छर को रोका गया था। आज हम मच्छर मारने के लिए, पहले आपने देखा होगा
डीडीटी दवाई का प्रयोग होता हाँ था, जी, हाँ जी। वो उसका जनरेशन इतनी गंदी दवाई जो जिसको रेजुअल इफेक्ट कहते हैं कई जनरेशन तक जाता था। तो वो जहाँ बनी हुई थी ये दिल्ली के अंदर फैक्ट्री लगी हुई थी हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड गवर्नमेंट की थी, तो उसके जो पानी की पाइपें जा रही थी उसमें भी असर उसका आ गया था जब टेस्ट हुए थे। तो ये दवाइयाँ जो है इस तरह से वो इनडायरेक्ट तौर पर हमारी रसोई में पहुँचती हैं, वो भी असर जो है हमारे पे प्रतिकूल अनुकूल असर नहीं प्रतिकूल असर डालती हैं, तो बीमारियां हमारे पास आती हैं। तो एक ये आ गया। अब नमक है, नमक हम उसमें डालते हैं क्योंकि शरीर के अंदर नमक पानी हमारा है ना पसीना आता है, जब देखते हैं ये भगवान ने हमें भरवट्टे दिए हैं तो ये इसलिए दिए हैं अगर पसीना है तो आँख में ना जाए नमक का पानी, तो साइड से होके गुजर जाए। लेकिन आज हम पे बदकिस्मती है उसको भी थ्रेडिंग वगैरह करवाने लग गए हैं, तो ये पानी जो शरीर के अंदर पानी निकलता है नमक वाला, वो जो समुन्द्र का पानी की तरह का हमारे शरीर के अंदर भी पानी है, तो उसके लिए नमक की बड़ी ज़रूरत है। जब कहते हैं ना पानी की कमी आ गई तो उसमें पानी और नमक घोल के पिलाओ, तो वो पानी पिलाया जाता है। तो अब जो नमक है, नमक हमारे गले गला खराब हो जाता है कई दफ़ा, तो ये नमक में भी नमक एक तो सेंधा नमक होता है जिसे मिनरल साल्ट भी कहते हैं, पाकिस्तानी नमक भी कहते हैं। तो ये जो नमक होते थे ये जैसे पहाड़ में से पत्थर होते हैं ना इस तरह निकाला जाता है। कई नमक राजस्थान में आप जाओगे झीलों से उसका पानी या ट्यूबों से निकाल के उससे नमक बनाया जा रहा है, कोई समुन्द्र के बनाया जा रहा है, कोई वेपोरेट। जो मिनरल साल्ट होता था एक्चुअली बहुत बेस्ट साल्ट था और उसको हम अगर यूज़ करते हैं रसोई में, लेकिन उसमें भी बाजार से मिलते हैं लेते हैं ना उसको धो के ही बनाते तो कई दफ़ा रिश्ते के अनछा देते हैं। तो इसके लिए नमक जो है, नमक को पानी गर्म करो उसमें नमक डालो गरारे करो आपका गला ठीक हो जाएगा। इसी तरह मिर्च, मिर्च की बात है, लाल मिर्च जो है वो हमें आम गाँव के अंदर कुत्ता काट लेता था ना, तो सरसों का तेल लगा के ऊपर नमक वो लाल मिर्च बांध दिया करते थे, तो भाई उससे कई दफ़ा हल्के कुत्ते का भी असर होता था तो वो भी ठीक हो जाता था। अब ये देखते हो ना आप घरों के अंदर ये दुकानों वाले अब मिर्चें भी बांधते हैं, उसको देखा देखी भाई ये तो इसलिए अभी नजर ना लगे उसे, हाँ जी वो वैसे कुछ असर नहीं होता लेकिन कुछ होगा बैकग्राउंड। जैसे पहले घर में बच्चा होता था नीम और सारस के पत्ते बांधते थे, आज देखा जाए सारस और जो नीम है जिसकी जो हवा है वो उसका ग्रहणी के जहाँ प्रस्तुत हुआ है वहाँ जाती थी हवा तो बैक्टीरिया मारती थी, तो वो हर चीज साइंटिफिक उसके साइंस के जवाब से हमारे ऋषियों ने बहुत खोजें करके बनाई थी। तो इसके लिए जो है जैसे अब काली मिर्च है, काली मिर्च जो है ये भी बहुत काम कर, अजवाइन आपके रसोई के अंदर होती है, अजवाइन आपको पेट में दर्द हो गया तो उसी टाइम अजवाइन निकालो और थोड़ा सा नमक मिलाओ और पानी से ले लो ठीक हो जाएगी। जीरा, जीरा उसमें होता है रसोई में आपके तेजाब बन गया है, जीरा थोड़ा सा लो और उसको भी चबाते रहो तो तेजाब बनना सुबह वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हमारी रसोई में जो है इसको हम संतुलित आहार के तौर पर लें, ज़्यादा जो है ना एक्सेस यूज ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो उसको संयम के हिसाब से जितनी चाहिए। अब नमक आप ज़्यादा यूज़ करने लग जाओगे तो आपको बीपी की शिकायत आ जाएगी, तो वही लाल मिर्च ज़्यादा खाओगे तो उसके लिए वो पेट में वो खराबी करेगी, उसमें बवासीर आदि की भी शिकायत हो जाती है। तो इस तरह से संयम के हिसाब से हमें करना चाहिए। तो जो है चीज़ हमारी वो किचन का जो है बड़े संयम के हिसाब से करें। अगले एपिसोड में आपको हम सारी डिटेल में बताएंगे, आज इतना ही समय है आपके जो आपने दिया है, तो अगले में डिटेल में हम रसोई के बारे और जो किसे शुद्ध खाना रसोई में लाया जाए और बच्चों को कैसे आगे से शुद्ध खाना दे के हम उनकी सेहत बना सकें आपके साथ फिर। थैंक यू सर, धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। मुझे बुलाया है आपका शेड्यूल इतना बिजी होने के बाद भी आपने हमारे लिए समय निकाला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर, थैंक यू। तो दर्शकों जिस तरह से हमें सरदार जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि मसालों का सही तरीके से उपयोग करके हम उसको कैसे एक दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
तो जैसा कि सरदार जी ने बताया कि हम इस टॉपिक पर आपके लिए और भी एपिसोड लेके आएंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, अगले एपिसोड में हम उनका हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो ज़रूर करिएगा ताकि अपडेट्स आप तक पहुँचें। धन्यवाद।